हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 12 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो में उन्होंने मॉडल पेपर 2 के लेक्चर 2 तक के क्वेश्चन नंबर 4 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। आज के इस वीडियो में जो आपका लेक्चर 3 है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो बोर्ड से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए क्या है आपका क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रेस करने वाले अल्फा तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात इतना है। क्षेत्र में प्रेस करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों को गत करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका दिया क्या है कि देखिएगा, भी अल्फा संबंध भी प्रोटॉन बराबर 1:3 या भी अल्फा बराबर 1x भी प्रोटॉन बराबर 3x या लिख सकते हैं। अब आपका क्यू अल्फा जो आपका होगा, क्यू अल्फा आपका 2e हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कौन है का अल्फा कौन होता है 2he4। आपका आवेश होगा आपका क्यू अल्फा 2e होगा, और क्यू पी जो होगा ई होगा, यम अल्फा 4m हो जाएगा, देखिएगा 4m, और यम प्रोटॉन जो होगा यम होगा, चूँकि आर इक्वल टू यम भी बाई क्यू बी, इसलिए आर अल्फा बाई आर प्रोटॉन बराबर एम अल्फा बी अल्फा बाई क्यू अल्फा इंटू बी। अगले गुणा कर रहा हूँ, क्यू क्यू प्रोटॉन ई बाई एम प्रोटॉन भी प्रोटॉन, यम अल्फा का मान 4m, बी अल्फा का मान 1x बाई क्यू अल्फा का मान 2e, और बी रहने दीजिए ऐसे मल्टीप्लाई बाय क्यू पी प्रोटॉन का मान e, और बी रहने दीजिए ऐसे आपका यम पी यम और भी टी 3x। देखिएगा ये बी से बी, ई से ई, यम से यम, एक्स से एक्स, और आप 4 अप में और डाउन में 6 या 2/3, या यहाँ लिख सकते हैं आर अल्फा संबंध आर पी बराबर 2:3। तो यही आपका त्रिज्याओं का, देखिए त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा यही होगा, यानी 2:3 का होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, देखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ख, एक करेंगे 3 नंबर पाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 प्रत्येक 3 नंबर का है, प्रत्येक खंड 3-3 नंबर का है, ठीक है। अब ख देखिए, एक NPN ट्रांजिस्टर में 10^6 सेकेंड में सब्जेक्ट में 10^10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, आधार में 2% में इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, धारांतर अनुपात ज्ञात कीजिए। धारांतर अनुपात ज्ञात करना है, तो धारांतर अनुपात ज्ञात करेंगे कैसे निकाला जाएगा, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ख। यदि उसको लिखा जाए, ये आपका दिया टी दिया है 10^6 और एन ई दिया है आपका 10^10, ठीक है। तो आई ई निकाला, आई ई बराबर क्या होता है,
एल ई अगले ई बाई टी या एल ई कमान दस घात दस गुणे ई कमान एक दशमलव छः गुणे दस घात ऋण उन्नीस अब बटे टी कमान दस घात ऋण छः इम्प्लाइड डेट ये आपको हो जाएगा एक दशमलव छः गुणे सोलह तीन दस घात ऋण तीन आ ई कमान हो जाएगा और निकालेंगे एम सी बराबर दस घात दस देखिएगा दस घात दस रिटर्न प्रेस करते हैं 2% तो बचेगा कितना 98/100 या बराबर आपको हो जाएगा 9.8 गुणे 10^9 हो जाएगा एल सी कमान। और इसके बाद आई सी कमान निकालेंगे आई सी बराबर का हो जाएगा एच सी गुणे ई बाई टी एच सी आपका एच सी नहीं सॉरी एन सी एन सी का मान 9.8 गुणे 10^9 गुणे ई का मान 6 गुणे 10^19 अब आई टी का मान 10^6 इसको 7 किया जाएगा 1.56 गुणे 10^-3 ये आपका एम्पियर होगा। अब यहाँ पर अनुपात निकालेंगे धारांतर अनुपात धारांतरण अनुपात अनुपात अल्फा बराबर क्या जाएगा आई सी बटे आई ई आई सी का मान 1.56 गुणे 10^3 बटे आई ई का मान यहाँ देखिए 1.6 गुणे 10^3 ये आपका कटेगा 0.98 हो जाएगा 0.9844। धारांतरण जो अनुपात ये आएगा यही होगा 0.98 अल्फा का मान। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 5 का ख का कंप्लीट सलूशन होगा। अब आइए ये कहते हैं 3 नंबर आप पाने का उदाहरण होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ग देखिए करा 10 डॉक्टर तथा -5 डॉक्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के मुख्य अक्ष पर रखी लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बताना उसकी लंबाई ज्ञात करना है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो जितना भी लग रहा है सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का गो देखिएगा दिया पी वन बराबर ये 2000 पर पी टू बराबर -5000 पर उसके बाद यू बराबर -30 सेंटीमीटर ओ बराबर ऑब्जेक्टिव और बस कितना 2 सेंटीमीटर लंबी यानी 2 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। वी बराबर वार इसकी प्रकृति बताना है क्या होगा प्रकृति। ठीक है अब आइए चूँकि जानते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे तो पी वन धन पी टू बराबर 10 डायरेक्टर धन -5 डायरेक्टर बराबर कितना जाएगा 5 डायरेक्टर। चूँकि जानते हैं पी बराबर 1/f या f बराबर 1/p इम्प्लाइड एट 1/5 या इम्प्लाइड एट 20 आपका सेंटीमीटर। चूँकि लेंस का सूत्र जानते हैं 1/f = 1/d -1/u 1/f का मान 1/20 बराबर 1/d -1+1/u का मान 30
अब लेफ्ट में आएगा तो 1/e इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, 1/e इक्वल टू 30 माइनस 20 बाई 20 इंटू 30, या 1/e इक्वल टू 10 बाई 20 इंटू 30 आपका टू यानी भी इक्वल टू कितना 60 रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका घी कमान हो गया। अब प्रतिबिंब की लंबाई देखो, प्रतिबिंब की लंबाई में पूछा है आई बराबर। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि अंतर नियम बराबर होता है घी आई अपान हो आई अपान हो या बराबर माने भी अपान यू आई बाई ओ कमान टू बराबर भी कमान 60 बाई यू कमान एल आई बराबर कितना जाएगा आई बाई टू इजक्वल टू टू आई इजक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई जो होगा वह आपका 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसकी प्रकृति क्या लिखना है, क्या होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अब वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तो एक प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, और प्रतिबिंब की लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 का गॉब का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। आप इसको करते हैं तो 3 नंबर पाएंगे। इसी में अथवा देखिए पड़ा एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व या धारिता सी प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, एल सी आर परिपथ के लिए पूछता है, इसके व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का गॉ का अथवा एल सी आर परिपथ है, एल सी आर परिपथ चार परिपथ में पहले बना लो, जिसमें आपका ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और यह है आपका यह हो जाएगा सी हो जाएगा आर जाएगा श्रेणी क्रम जुड़ा जाएगा, ठीक। यहाँ पर आई है बी एल बी सी ए भी आपका बी एल माइनस बी सी भी आपका बी एल माइनस बी सी होगा, ये आपका 5 होगा, ठीक। ये भी आर होगा, यहाँ लिख सकते हैं कि 3 प्रतिरोध एल सी आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 3 प्रतिरोध माना 3 प्रतिरोध प्रतिरोध एल सी आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इस स्थित में चित्रानुसार
इस स्थिति में चित्रानुसार लिखकर आप लिख सकते हैं। इसे देखिए भी बराबर देखिएगा अंडर रूट में व्यवधान पद लगाना तो क्या जाएगा भी आर कवर अधन भी एम माइनस भी सी का वर्ग या भी बराबर देखिएगा यह लिख सकते हैं का आई आर कॉमन लीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एफ सी का होल स्क्वायर या भी बराबर आई आर बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा एक्स सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर आई से आई डिवाइड हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल अपान वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर यही जो है आपका प्रतिबाधा जेड का जेड हो जाएगा ये आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर ये प्रतिबाधा का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है देखिए यहाँ प्रतिबाधा हो गया अब कलांतर चूँकि जानते हैं टेन फाइव इस कंट्री यहाँ पर टेन थीटा और लंब बटे आधार रहेगा भी एल माइनस भी सी बाई भी आर या एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर या एक्स एल बराबर ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी बाई आर यानी टेन फाइव कलांतर कलांतर के लिए व्यंजक होगा टेन फाइव इंटू ओमेगा एल अपान वन अपान ओमेगा सी बाई कैपिटल आर बाई कैपिटल आर यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का गो का अथवा का ये पूरा सोल्यूशन बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है एफ सी आर पद के लिए। अब आइए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का घ देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का घ ये क्या है देखा जाए क्वेश्चन नंबर फाइव का घ कह रहा है एक ही धातु के तीन तारों की लंबाई तथा द्रव्यमान के अनुपात तीन संबंध दो संबंध एक तथा एक संबंध दो संबंध तीन इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चूँकि दिया है एल वन संबंध एल टू संबंध एल थ्री बराबर तीन संबंध दो संबंध एक एम वन संबंध एम टू संबंध एम थ्री बराबर एक संबंध दो संबंध तीन यही आपका दिया है। चूँकि जानते हैं आर बराबर फार्मूला होता है आर बराबर पी एल स्क्वायर डी अपान यम इसलिए आर वन संबंध आर टू संबंध आर थ्री बराबर एल स्क्वायर बाई एम वन संबंध एल स्क्वायर बाई एम टू संबंध एल एल वन स्क्वायर एल टू स्क्वायर एल थ्री स्क्वायर बाई एम थ्री एल वन कमान आपका थ्री नाइन जाएगा नाइन बाई वन संबंध फोर बाई टू संबंध वन बाई थ्री। ठीक है इसका लॉस हो जाएगा आपका छः। ठीक है तो ये चौवन होगा संबंध ये कितना आएगा दो आठ संबंध ये आपका
दो या 27 संबंधे 4 संबंधे 1, यही आपका लिखिएगा। प्रतिरोधों के अनुपात जो होंगे यही होंगे 27 संबंधे 4 संबंधे 1 होगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 का घ का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का अंग है करा विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। इसको आप कीजिएगा, कहीं इसको दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको हल करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।